तो गाइस आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कूलॉम्स लॉ। बच्चों अगर आपने पीछे का वीडियो देखा है तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी चार्ज के बारे में और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। सो गाइस हम लोगों ने वहाँ पर कौन से चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कौन से चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर हटाते हैं, इस बारे में डिस्कस किया था। सो गाइस हम लोग यहाँ पर चार्ज ले रहे हैं, ये दो चार्ज दोनों निगेटिवली चार्ज हैं। फिर मैं दो ऐसे चार्ज ले रहा हूँ जो दोनों पॉजिटिवली चार्ज हैं। फिर मैं एक ले रहा हूँ पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा ले रहा हूँ निगेटिवली चार्ज। हम लोगों ने पीछे के वीडियो में ये डिस्कस किया था कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दूर हटाते हैं, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को दूर हटाएंगे और ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हटाते हैं। लेकिन गाइस इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का हम लोगों ने नाम रखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो गाइस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा पीछे का तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देख लें। तो इन दोनों के बीच लगने वाला, इन चार्जेस के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो होगा, ये क्लियर कर चुके थे हम लोग पीछे में, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी डायरेक्शन क्या होगी और कौन कौन सी चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी उसकी मैग्नीट्यूड को, ये इन सब बातों का रिजल्ट उससे नहीं निकलता है। वहाँ केवल हम लोग इतना कंक्लूड कर पाते हैं कि चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, एक दूसरे को पास लाएंगे या दूर हटाएंगे, लेकिन वो कितनी वैल्यू लगाएंगे फोर्स की, ये हम लोगों ने पीछे के वीडियो में डिस्कस नहीं किया था। यहाँ पर बात आती है साइंटिस्ट कूलॉम्स की। उन्होंने हम लोगों को सजेस्ट करा कि हम अगर आप दो चार्ज पार्टिकल ले लें, मैं यहाँ पे दो चार्ज पार्टिकल ले रहा हूँ और ये मान लेता हूँ एक चार्ज पार्टिकल Q1 है और दूसरा है Q2, दोनों को मैंने पॉजिटिव ही मान रखा है, दैट मीन्स दोनों एक दूसरे को दूर हटाएंगे। मैं मान लेता हूँ कि इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस R है। अभी मैं यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं करूँगा, इस वीडियो में हम लोग स्केलर के बारे में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर फॉर्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस R है और इन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है Q1 और Q2। कूलॉम्स ने सजेस्ट करा कि इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्किंग बिटवीन दीज चार्ज पार्टिकल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज बॉडीज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों को अगर मैं एक साथ लिख दूं तो फॉर्मूला बनता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। गाइस मैं यहाँ पे आपको इंट्रैक्ट करूँगा दो मिनट के लिए। अगर आपको याद आ रहा हो 11th में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल चैप्टर पढ़ा, वहाँ पर न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में बताता है दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन R स्क्वायर इज लाइकली इक्वल टू F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने से कॉन्स्टेंट आता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल G, और वहाँ पे न्यूटन्स बताते हैं कि G की वैल्यू 6.67 इंटू 10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम होती है, और इसको न्यूटन ने कहा कि ये एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। दैट मीन्स इस G की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में कहीं नहीं चेंज होगी। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने से कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर जो कांस्टेंट K आया है वो न्यूटन ने सजेस्ट करा कि ये कांस्टेंट K की वैल्यू हर जगह पर एक जैसी नहीं होगी, प्लेस टू प्लेस जो है वो वैरी करती रहेगी, जगह जगह पर जाने पर
आप देखेंगे कि के की वैल्यू चेंज हो रही है। दैट मीन्स इन दोनों के बीच का मीडियम क्या है, ये दोनों हैं कहाँ पर एक्चुअल में, तो उस हिसाब से इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यू है 9.9 × 10⁻⁹। एक्चुअल में बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आती है वो 8.98 something that बहुत लंबा चौड़ा से निकलता है। मैंने उसको राउंड फिगर में क्या ले रखा है, 9 × 10⁹। यूनिट क्या होगी, देखिए यूनिट निकालने के लिए बहुत आसान है, के इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन क्यू टू। तो आप देखें एफ ऊपर लिखा हुआ है, तो एफ की वैल्यू हो गई न्यूटन, फिर हो गया ये देखिए ये हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर। तो ये यूनिट निकल के आती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर, ठीक है ना। के इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन क्यू वन क्यू टू। अब गए यहाँ पर जो के रखा गया है उसको रिप्रेजेंट किया गया के इक्वल्स टू 1/4πε₀। दैट मीन्स इस फॉर्मूले को अब हमें कैसे लिखना चाहिए, ऐसे एफ इज इक्वल्स टू 1/4πε₀ क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर से। क्लियर है गाइस, यहाँ पर जो हम लोगों ने ये 1/4πε₀ लिखा है इसको रिलेटिविटी कॉन्स्टेंट फॉर वैक्यूम बोला जाता है, रिलेटिविटी कॉन्स्टेंट फॉर वैक्यूम। सो गाइज इसकी वैल्यू जो निकली है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है, और इसकी वैल्यू प्लेस टू प्लेस बच्चों जो है वो चेंज होती रहती है। हम लोग इसके कॉन्स्टेंट के बारे में, और यहाँ पर जो ये आप सिंबल देख रहे हैं जो ई जैसा बना हुआ है दैट इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट, इसके बारे में गाइज हम लोग आगे के वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके बारे में हम लोग अभी आगे नेक्स्ट के वीडियोस में हम लोग काफ़ी डिटेल में जाएंगे। अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, बच्चों इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले लें तो मैं फिर आगे आपको बताना शुरू करूँ। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सो गाइस अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए बच्चों यहाँ पर जो ये फोर्स निकल के आया है इसको आप कंपेयर कर सकते हैं न्यूटन्स लॉ से, न्यूटन्स लॉ एज सेम एज कूलॉम्ब्स लॉ है, केवल यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स के बारे में बात हो रही है, वह मास पार्टिकल्स। कुछ मैं यहाँ पे पॉइंट नोट करना चाहूँगा, पहली बात तो ये सेंटर फोर्स है, पहली बात तो ये एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स बच्चों क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है कि जो मास बॉडीज हैं वो फोर्स इन दोनों के सेंटर की डायरेक्शन में काम करेगा। दैट मीन्स जो हम लोगों ने क्यू वन लिखा था और जो क्यू टू लिखा था ऐसा नहीं होने वाला है। देखिए क्यू वन क्यू टू एक दूसरे को, मान लीजिए क्यू टू इसको इधर की तरफ धक्का देगा, क्यू वन इधर की तरफ धक्का देगा, ठीक है ना, मैंने डायरेक्शन भी बनाई थी वैसे ही। तो ऐसा नहीं होगा क्यू टू इसको इधर की तरफ धक्का दे दे, ये पॉसिबल नहीं है, इधर की ओर धक्का देते ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इसको इसकी सेंटर के लाइन में ही फोर्स लगाएगा, तो चूंकि इन दोनों के सेंटर की लाइन पे फंक्शन करता है इसलिए एक सेंटर फोर्स है। दूसरी बात देखिए बच्चों, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r². अब इसका दैट मीन्स क्या होगा, दैट मीन्स डिस्टेंस जितनी ज़्यादा बढ़ेगी किट किट बढ़ती जाएगी, फोर्स ऐसा किट किट कम होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पर आर को बढ़ा के 2r कर दूँ, मैं यहाँ पर आर को जस्ट डबल अगर कर दूँ तो आप देखिए एफ क्या हो जाएगा, मैं यहाँ रखूँगा स्क्वायर हो जाएगा 4r², दैट मीन्स 1/4 times हो जाएगा। तो जो फोर्स पहले लग रहा था एफ वो देखिए 1/4 times हो गया। तो अगर मैं R की जगह में 2R ना रख के
आर की जगह मैं आर बाई टू कर दूं, दैट मीन्स उस डिस्टेंस को मैं कम कर दूं और पास ले आऊं इन बॉडीज को। तो अगर आप इन बॉडीज को पास ले आएंगे तो पास लाने से फोर्स बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा देखें, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपान आर बाई टू का होल स्क्वायर। आर बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं उसको बच्चों, तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आर स्क्वायर अपान फोर, या एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर इंटू वन अपान आर स्क्वायर। दैट मीन्स अब कितने गुना हो गया फोर्स, फोर टाइम्स हो गया। तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस इंक्रीज करते जाओगे वैसे वैसे डिस्टेंस इंक्रीज करोगे फोर्स उसी के प्रोपोर्शनल में कम होगा, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम करते जाएंगे फोर्स उसी प्रोपोर्शनल में बढ़ता जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ कि हमारा जो ये लॉ है, जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है। दूसरी बात, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। तीसरा पॉइंट मैं इधर लिख दे रहा हूँ, ये केवल पॉइंट चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है, ये केवल अप्लीकेबल है पॉइंट चार्ज के ऊपर। अब क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि पॉइंट चार्ज क्या है। देखिए पॉइंट चार्ज आप वैसे तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहुत छोटे हैं, उनको भी आप एज अ पॉइंट चार्ज ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन गाइस अगर उन चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है जो चार्ज का, अगर वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो चार्ज लग रहा है उन बॉडीज के बीच में, उसका जो मैग्नीट्यूड हो वो उनके डिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत कम हो, मतलब डिस्टेंस इनके बीच की बहुत ज़्यादा हो, मच कंपेयर अगर करें, वैसे दो डिफरेंट यूनिट की क्वांटिटीज हैं लेकिन केवल मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, यूनिट वगैरह को नहीं सोचना आपने। तो अगर उनके बीच का डिस्टेंस उन चार्ज के मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है तो आप बोल सकते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है वो पॉइंट चार्जेस हैं। जैसे इसको कैसे आप सोच सकते हैं, इसको गाइस आप ऐसे ट्रीट करिए, जैसे मान लीजिए कि एक तारा है, स्टार्स, स्टार हमें बहुत छोटे दिखते हैं, तो अगर कोई बच्चा छोटा होगा उसको पता नहीं होगा तो वो बोलेगा तारे तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, लेकिन आपको पता है वो स्टार्स जो हैं वो अर्थ के साइज़ के कंपैरिजन में भी बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन वो छोटे क्यों हैं, क्योंकि उनके हमारे बीच के डिस्टेंस जो है ना वो उनके साइज के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो कोई चार्ज पार्टिकल छोटा या बड़ा नहीं होता है, वो चार्ज पार्टिकल छोटा या बड़ा होगा वो इस बात पे डिसाइड करा जाएगा, इस बात पे डिपेंड करेगा कि उनके बीच का डिस्टेंस कितना है। उनके बीच का डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता जाएगा वो पॉइंट उतने ही मासेस जो है वो मासेस सॉरी चार्ज पॉइंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज उतना ही कम होता जाएगा। तो ये तो हो गया बच्चों तीन बातें। अभी चलिए चौथा पॉइंट, आप इनको स्क्रीनशॉट लेते रहिए गाइस, मैं आपको सजेस्ट करूंगा बच्चों की कॉपी लेके ही बैठे साथ में, जब भी कोई बात चल रही हो तो उसको नोट करते चले साथ में, हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं। सो बच्चों जो चौथा पॉइंट आने वाला है वो ये है कि अगर हम बात करें इनके बीच लगने वाले फोर्स की, तो अभी हमने जो फॉर्मूला लिखा एफ इक्वल्स टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, अगर इनके बीच में अगर इन दोनों मास चार्ज पार्टिकल Q1 और Q2 के बीच में अगर बच्चों मोम रख दिया जाए, लकड़ी रख दी जाए, कागज रख दिया जाए, तो इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा ना वो चेंज हो जाएगा। इनके बीच में अगर क्या आ जाए, लकड़ी आ जाए, मोम आ जाए, कागज आ जाए, तो उससे इनका फोर्स चेंज हो जाएगा। तो वो कैसे डिसाइड होगा, तो वो हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों ये फॉर्मूला भी आप नोट कर ले जो मैंने बोर्ड पे अभी लिख रखा है। अब देखिए ये जो के यहाँ पर आया है, ये के, ये अगर आप एयर या वैक्यूम के लिए बात करें, एयर या वैक्यूम, तो हवा या निर्वात के लिए के की वैल्यू जो है ना वन होती है। तो अगर आप इनके लिए के की वैल्यू रखेंगे, सो गाइस अगर आप कोई दूसरा मीडियम ले रहे हैं, जैसे अभी हमने लिखा वैक्स, वुड, पेपर, तो इनके लिए जो के की वैल्यू होती है वो हरदम लार्जर देन वन होती है। के की जो वैल्यू आएगी वो हरदम एक से ज़्यादा आएगी अगर हम बात करें किसी दूसरे मीडियम के लिए, और अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स के लिए के की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है, अनंत होती है।
तो बच्चों ये तो रहा आज का स्केलर फॉर्मेट, अभी हमको इसके वेक्टर फॉर्म के बारे में बात करना है, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए, इसलिए वीडियो में जा करके लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।